नमस्कार दोस्तों, मैं रुपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपक ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो नया टॉपिक लेकर। और दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्लांचो प्लांट, हम मरते हुए प्लांट को कैसे बचाएं और उसको सेव करके कैसे रखें, और दोस्तों बारिश में उसकी केयर कैसे करें और किस प्रकार हम उसकी कटिंग लगाएं। तो दोस्तों, इन सारी बातों की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगी, तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक के और पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, सुबह से थोड़ा सा मौसम खुला हुआ था और अभी अभी बारिश शुरू होने लगी, लेकिन मैं जल्दी से आई और मैंने वीडियो बनाया नहीं था, तो मुझे वीडियो बनाना था दोस्तों। तो सुबह सुबह से मौसम खुला हुआ था और अभी मैं ये छाता लेकर बना रही हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा अपडेट मैं दे देती हूँ दोस्तों कि देखिए, थोड़ा सा मौसम खुला था कि हमारे सारे फूल फ्लावरिंग खिल गई थी दोस्तों। ये देखिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है और अब बारिश ने मज़ा बिगाड़ दिया और बारिश में हमारे सारे फ्लावर कैसे खिल गए हैं ये देखिए। और कुछ एडेनियम मेरे वहाँ पर, ये देखिए, मैंने शेड एरिया में रख दिए सारे के सारे यहाँ पर, और कुछ क्लांचो में यहाँ पर रखे हैं मेरे कुछ रोसमोस। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार चल रहा है मेरा गार्डन और छाता लेके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, ये देखिए, ये स्थल कमल है और ये बड़ा वाला है और ये मुसंडा, और ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि आज ही हमारे गार्डन में एक नया फूल खिला है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे हिबिकस प्लांट और ये देखिए बहुत खूबसूरत फ्लावर खिला हुआ है, काफ़ी बड़ा है साइज में, और ये एक कल खिला हुआ था। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों, एक और स्थल कमल का फ्लावर खिला है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये देखिए, ये भी कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। वीडियो बना पानी बारिश होते हुए मैं वीडियो बनाने का यही कारण था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितने खूबसूरत फूल निकला है हिबिकस का और स्थल कमल का। ये भी हिबिकस की ही वेराइटी है दोस्तों, इसलिए मैं छाता लेकर वीडियो बनाने लगी हूँ। तो और ये देखिए, ये पिंक वाले हिबिकस है, ये छोटे वाले हैं, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे दोस्तों। अभी बारिश अभी शुरू हुई है, नहीं तो सुबह से मौसम खुला हुआ था। और ये देखिए अलमांडा भी हमारा बहुत ही अच्छे से खिल रहा है, बहुत सुंदर है। तो कुछ इस प्रकार हमारा गार्डन चल रहा है दोस्तों। तो वीडियो में तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक पे आते हैं, लेकिन अब मैं शेड एरिया में बताऊंगी आप लोगों को क्लांचों की देखभाल और कटिंग वगैरह। तो अब हम शेड एरिया में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा शेड एरिया और अब हम यहाँ नीचे बैठ के मैं बताती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक पे आते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, क्लांचो प्लांट सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता सकुलेंट प्लांट है दोस्तों। और सकुलेंट प्लांट बहुत ही नाजुक होता है, बिल्कुल पानी से बचाना पड़ता है इसको। और दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत है, परमानेंट प्लांट है। अगर इसकी थोड़ी सी केयर हम बारिश में और तेज़ गर्मी में कर लेते तो ये पूरे सालों साल चलता रहेगा। और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं दोस्तों, बिल्कुल इतने खूबसूरत लगता है, बिल्कुल बटन गुलाब जैसे इसके कलर फ्लावर आते हैं और बहुत सारे कलर रहते हैं। और दोस्तों, ये हाइब्रिड में है और देसी वेराइटी के भी आते हैं, वो भी मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, ये देसी है दोस्तों, और इसमें ज़्यादातर कलर नहीं आते, बस एक कलर आते हैं एकदम रेड कलर में, छोटे छोटे और थोड़ा सा पिंकिश में आते हैं। और बहुत इजी प्लांट है दोस्तों, देसी वाले में ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। और दोस्तों, हाइब्रिड को थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि बारिश में आप इसको कैसे केयर करें और कैसे बचाएं, कहाँ रखें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बात करूँगी कि बारिश से इसको बचाना चाहिए, बस शुरू के एक बारिश
पहली बारिश जो होती है, पहली या दूसरी बारिश, इस पे अच्छे से लग जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसको सेड एरिया में प्लेस करना चाहिए। बारिश की बूंदें इसकी पत्तियों पे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश की बूंदे इन पत्तियों पे स्टेम पे गिरती है तो दोस्तों रूट रोट होने का डर रहता है। और सकुलेंट फैमिली है, इसमें इसकी स्टेम में ऑलरेडी पानी भरा रहता है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो बारिश से इसको बचाना चाहिए, बिल्कुल शेड एरिया में रखना चाहिए। और मिट्टी इसकी बिल्कुल मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए, मतलब एकदम ड्राई हो जाए तभी इस पर पानी डालिएगा। बिल्कुल ये मेरी ओवर वाटरिंग हो चुकी है, इसलिए ये मिट्टी सोगी है और ज़्यादा गीली है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि बारिश में इसको बिल्कुल शेड एरिया में प्लेस कीजिएगा और ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना हो। जब मिट्टी सूख जाए अपने आप ये पत्ते ऐसे मुरझा जाते हैं तो समझ जाइएगा। तो थोड़ा सा शावर से, बस थोड़ा सा शावर करके इसमें पानी डाल दीजिए, बस फिर ना डालिएगा। तो इस प्रकार आप बारिश में इसको बचा सकते हैं और बारिश में इसको शेड एरिया प्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों फिर मैं बात करती हूँ कि मरते हुए प्लांट को हम कैसे बचाएं और कैसे सही करें। और दोस्तों अगर ओवर वाटरिंग हो गई बारिश में ज़्यादा, या वैसे ही ओवर वाटरिंग हो गई, क्योंकि दोस्तों बारिश में धूप तो निकलती नहीं है ना, मौसम खुला रहता ज़्यादा, अगर लगातार बारिश हो गई तो फिर इन प्लांटों की तो बहुत ही देखभाल करनी पड़ती है। तो ये देखिए, ये मेरे प्लांट ये ओवर वाटरिंग से ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए, मतलब बारिश के पानी में ज़्यादा देर रखेंगे तो ये देखिए हमें पता नहीं चलता है, नीचे से स्टेम खराब होती जाती है और ऊपर पत्ती अच्छी रहती है। ये देखिए। और दोस्तों ओवर वाटरिंग जब होती है तो ये अपनी लीव्स गिरा देता है। ये देखिए, इसकी पत्तियां अपने आप गिर गिर के नीचे जमीन पे गिर जाती है। तो इस प्लांट में, इस जो पॉट है इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है दोस्तों। ये देखिए, ये खराब हो गया है। और ये प्लांट अच्छा है। और एक प्लांट और बताती हूँ मैं, कि ये मैंने कर लेती दोस्तों, लेकिन दो तीन दिन हो गए हैं, दो दिन, और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने इसकी केयर नहीं करी कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जब तक ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया। तो ये देखिए, इसमें फंगस लग गई। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा कि गमले की सफाई कीजिएगा। ये देखिए, इस गमले में पुरानी जो पत्ती, सूखी पत्ती, ये बिल्कुल ना रहने दे। बारिश के पहले ही आप साफ़ सफाई कर लीजिए और पूरा गमला क्लीन कर लीजिए दोस्तों, एकदम क्लीन करके फिर इसकी गुड़ाई कर लीजिए। और हम इसको कैसे बचाएंगे, तो हम इसकी सारी, ये देखिए यहाँ से गल रहा है, ये देखिए नीचे से गलते हुए आ रहा है ये, पर ऊपर का भाग अच्छा है। ये देखिए, ये वाला भाग अच्छा है, हमें पता नहीं चलता है। तो हम क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे इसको, कि हम इसको सभी को निकाल लेंगे, क्योंकि ये वाला भी गया, बस ऊपर से बची है। तो हम ये सारी, इसकी जितनी भी स्टेम है सारी हम निकाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ कुछ स्टेम अच्छी है। ये देखिए, यहाँ पर भी ये गल रहा है यहाँ से, और इधर भी ये देखिए ये झुक गया, लटक गया यहाँ से। हम इसको निकाल लेंगे, ये वाली स्टेम अच्छी है, लेकिन हम इसको फिर से लगा देंगे, ये वाली अच्छी है, ये भूरी ये। तो सबसे पहला काम दोस्तों इसका ये होता है कि आप इसकी गुड़ाई कर लीजिए, गमला साफ़ कर लीजिए, और इसकी मिट्टी आप बिल्कुल पोरस बनाइए दोस्तों। बरसात में मिट्टी बिल्कुल पोरस बनाना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि 60% आप सैंड का यूज़ कीजिए, या 50% सैंड का यूज़ कीजिए, और 40% आप गार्डन सोयल ले लीजिए, और 20% आप इसमें हमारे ये, हाँ सॉरी, बर्मी कंपोस्ट। तो 20% आप इसमें बर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। और दोस्तों इसमें नीम खली का यूज़ ज़रूर से कीजिए। नीम खली दोस्तों हमारे फंगस को भी मिटाता है, कीड़े मारता है, और दूसरी बात इसमें उसमें फर्टिलाइज़र का भी यूज़ होता है। और या तो फिर आप फंजीसाइड का पाउडर मिला लीजिए दोस्तों, ये ज़रूरी है, कोई भी मिट्टी बनाओ आप। तो ये देखिए,
ये फंजीसाइड है और इसमें हमने पानी डाल के, क्योंकि थोड़ा सा बचा था, पानी डाल के घोल लिया है और थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देंगे। या तो आप सूखा पाउडर, दोस्तों सूखा पाउडर आप इसमें मिला लीजिए, सूखा पाउडर आप मिट्टी में मिलाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेरी मिट्टी गीली है तो दोस्तों मैं इसमें गीला नहीं डालूंगी। तो दोस्तों आप इसमें फंजीसाइड का पाउडर मिला लीजिए और उसके बाद इसकी गुड़ाई करके फिर क्या कीजिएगा दोस्तों, कटिंग लगा सकते हैं आप। हमारे जितने भी प्लांट जो ख़राब हो गए हैं उसकी अच्छी अच्छी स्टेम निकाल के हम कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों कटिंग अभी अच्छे से चल जाएगी क्योंकि लगातार बारिश नहीं हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों, जो अच्छी अच्छी स्टेम थी वो हमने इसमें से निकाल ली है और ये वाले स्वस्थ थे ये वाले, लेकिन बहुत लंबे लंबे हो रहे, लेजी हो रहा। तो दोस्तों इसमें से भी हम यहाँ से कटिंग ले लेंगे, क्योंकि हमें कटिंग लगाना है, काफ़ी प्लांट बनाना है तो हम यहाँ से कटिंग ले लेंगे और इनको हम ऐसे के ऐसे गड़ा देंगे इस मिट्टी में, हम वापस के वापस गड़ा देंगे दोस्तों, क्योंकि मिट्टी हमारी अच्छी बनाई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी हमने गर्मी में ही बनाई थी। तो इनको ऐसे कर देंगे और जो कटिंग हमारी निकली है इसके नीचे से पत्ते हटा के और इसकी हम कटिंग लगा देंगे। और दोस्तों ये प्लांट ऐसा है कि इसकी पत्तियों से भी काफ़ी हमारे प्लांट बन जाते हैं, तो कटिंग भी हम लगा सकते हैं और इसकी पत्तियों से भी हम ये कटिंग लगाने के लिए बिल्कुल पोरस मिट्टी बनाइएगा। और जो पत्ते निकले हैं दोस्तों, ये पत्ते से भी हम यहाँ पर गड़ा देंगे और इससे भी हमारे नए नए प्लांट बन जाएंगे। तो इस प्रकार हम पत्ते लगा देंगे दोस्तों और एक से कई प्लांट हम बना सकते हैं और हमारे प्लांट को बचा सकते हैं। तो हमारा यही कलर, यही प्लांट हमारा बच जाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी केयर कर सकते हो और मरते हुए प्लांट को बचा सकते हो और इस प्रकार आप अपनी कटिंग लगा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ये देखिए हमने ये कटिंग लगाई थी तो ये कटिंग हमारी सक्सेस हो गई है लगभग। ये देखिए सभी के पत्ते जो हो रहे हैं बिल्कुल अच्छे से चमक रहे हैं, ये पत्ते हमारे इसी की निशानी है कि हमारी कटिंग सक्सेस हो गई। तो धन्यवाद दोस्तों।